संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मोदी ने मंगलवार को स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इससे SHG की 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.01 लाख लाभार्थियों के खातों में 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। मोदी ने परेड ग्राउंड में लाखों महिलाओं को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी मुझे यहाँ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। यूपी सरकार ने बैंक सखियों के रूप में उनके ऊपर 75,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार गांव में रहने वाली मेरी बहन बेटियां कर रही हैं। पीएम ने आगे यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है कि अब वो पहले की सरकारों वाले दौर वापस नहीं आने देंगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की जो महिलाओं को सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा है कि बेटियां भी चाहती हैं कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कुछ नहीं कह सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि थाने गई तो ही अपराधी, बलात्कार की सिफारिश में किसी का फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।